आज हम बना रहे डाइट के लिए इतना टेस्टी और इतना हेल्दी रेसिपी कि आप एक बार खाएंगे ना तो बार बार इसको बनाकर खाएंगे और आपका वेट भी बहुत अच्छी तरीके से लूज होगा। तो चलिए ये बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ले ली कढ़ाई। कढ़ाई के अंदर हमें ज्यादा ऑयल नहीं डालना, एक छोटी चम्मच डालना है। इसको कर लिया प्रीहीट। तो इसके अंदर हम डाल देंगे जीरा और जीरे को हम होने देंगे अच्छी तरीके से क्रैकल। तो जीरा हमारा अच्छी तरीके से क्रैकल हो गया। इसके बाद हम डाल देंगे प्याज एक मीडियम साइज की और छोटे शेप में हम इसको कट कर लेंगे और इसको जब तक पकाएंगे कि जब तक ये हल्की पिंकिश ना हो जाए। तो प्याज हमारी हल्की पिंकिश हो गई है। इसके बाद हम डाल देंगे इसके अंदर गोभी। गोभी को मैंने बॉईल कर लिया है और इसी के साथ हम डाल देंगे स्वीट कॉर्न। इसको भी मैंने बॉईल कर लिया है और इसके साथ ही हम डाल देंगे बीन्स। बीन्स को भी बॉईल कर लिया है और इसके साथ ही हम डाल देंगे एक कटोरी मटर। यानी कि ये मैंने सारी सब्जियां एक एक कटोरी ली है। आप चाहें तो कम या ज्यादा कर सकते हैं। अब इनको हम अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स करते हुए पका लेंगे और उससे पहले हम डाल देंगे इसके अंदर नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं। मैंने एक छोटी चम्मच लिया है और इसके साथ ही हम डाल देंगे हल्दी पाउडर। तो ये मैंने आधा छोटी चम्मच लिया है और इसको अब हम पकने देंगे अच्छी तरीके से। तो सब्जी हमारी पक गई है। इसके साथ ही हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्ची और आधी छोटी चम्मच हम काली मिर्ची। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसको हम मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे जिससे कि हमारा वेट लूज होगा और काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये लिए मैंने ज्वार। ज्वार को मैंने रात भर भिगो दिया था और फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया है। यानी 3 से 4 सीटी में ये अच्छी तरीके से बॉईल हो जाते हैं। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसका पानी सूख चुका है और सारी चीज हमारी अच्छी तरीके से पक चुकी है। तो अब मैं करूंगी इसको सर्व। तो हमारा टेस्टी सा हेल्दी सा ज्वार पुलाव बनकर बिल्कुल रेडी है। ऊपर से थोड़ा सा हम इसको गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती के साथ। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।